कानपुर केपीएम अस्पताल में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। डॉक्टर एसके सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक केपीएम अस्पताल के मार्गदर्शन में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह 12 से 18 मार्च तक मनाया जा रहा है। अवसर पर केपीएम अस्पताल बिरहाना रोड कानपुर में जनजागृति अभियान चलाया गया। डॉक्टर पूनम श्रीवास, नेत्र सर्जन श्वेता वाजपेयी के द्वारा जिले में जनमानस में आंखों से संबंधित जागरूकता चिकित्सकीय परामर्श शिविर, नुक्कड़ नाटक एवं रैली का आयोजन किया जाना है। इस सप्ताह के अवसर पर जिले में ग्लूकोमा से संबंधित जागरूकता परामर्श एवं चिकित्सकीय शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर पूनम श्रीवास ने बताया, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य ऑप्टिक तंत्रिका परीक्षण सहित नियमित आंखों की जांच के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके ग्लूकोमा द्वारा होने वाले अंधेपन को समाप्त को करना है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के दौरान आंखों में तरल पदार्थ का दबाव बढ़ जाता है। शुरुआती अवस्था में न तो इस बीमारी के कोई लक्षण प्रकट होते हैं और न ही कोई संकेत। पल पल की देरी मरीज को उसकी दृष्टि से दूर करती चली जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। मैम, आपका क्या नाम है और आज यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है? मैं डॉक्टर पूनम श्रीवास, आई सर्जन केपीएम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत इस समय ग्लूकोमा प्रिवेंशन दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 12 मार्च से 18 मार्च तक हर साल मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम है कि आओ अदृश्य ग्लूकोमा को पूरी तरह से हराएं। और हम लोग 18 तारीख को इसका समापन दिवस है, उसके तहत यहाँ पर हम लोग ग्लूकोमा स्क्रीनिंग प्रोग्राम करेंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे और ग्लूकोमा को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे।